जी कौन सी जमातें हैं भाई यहाँ की, कहाँ कहाँ जाकर आई है, कहाँ की जमातें? बी एच एल की जमात। आपकी बी एच एल की जमात? कोरुटला जाके। कोरुटला, अरे वाह, कौन कौन है बी एच एल की जमात में हाथ उठाओ? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब चिल्ला लगा के, वाह वाह वाह। बैतवाड़ी की जमात है, अच्छा माशाल्लाह। कहाँ गए थे? चटियाल गए थे, नंदियाल। हाथ उठाओ, कितने साथी बैतवाड़ी वाले? दो जमात, चलो माशाल्लाह। और कौन सी जमात थी? बैठो बेटा बैठ के। कौन कुंडा हलसे की जमात कहाँ गई थी? माशाल्लाह, कौन कौन थे उसमें? वाह 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 वाह। और आपकी जमात? मोहम्मद लैन की जमात। कहाँ गए थे? और कौन सी जमात रह गई? अच्छा, हकीम पेट की जमात। कहाँ, कौन कौन थे हकीम पेट की जमात? कहाँ गए थे? और पेट की जमात कहाँ गई थी? बिखाराबाद। और कौन सी जमात कहाँ के बेटे जमात? सामने आ जाओ बेटा, आप अमीर साहब कौन थे आपके? आपके अमीर साहब कहाँ हैं? एसी गार्ड की जमात। अच्छा, कहाँ गए थे? यूपुर गए थे। जाकिर भाई भी थे क्या? ये दरमियान में इनको सामने करते हैं भाई, करीब आओ भाई। आपकी जमात कहाँ की है? मुगल नगर की जमात। कहाँ गई थी? सदाशिव पेट। आवाज आ रही मेरी वहाँ पर? आप ही तरह सामने हो, सब सामने। और से सुनना सर, और आपको बोलना है नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, आप हजरात कितने खुशकिस्मत हैं कि इस उम्र में अल्लाह ने आपको अपने काम के लिए चुना और अपने रास्ते में फिरने का मौका दिया। आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्ले वालों में बहुत से बंदे ऐसे थे, आप जैसे बच्चे बहुत थे, लेकिन वो घर पर रह गए और आपको अल्लाह ने अपने रास्ते में बुलाया। धूप में रहे, गर्मी सर्दी बर्दाश्त करते रहे, अमीर साहब की बात सुनते रहे, सुबह शाम तालीम में रहे, गश्त करते रहे। भाई सुन रहे हैं आप लोग? कुछ बोल रहे भाई, सुनो। अल्लाह ने आपको नबुव्वत वाले आमाल में चलने फिरने की तौफीक अता फरमाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान आप पर हुआ। हदीस में है, हाजी हज से, मुतअम्मिर उमरे से और मुजाहिद राह खुदा से ऐसे वापस होते हैं कि उन पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। आप हजरात सब मुजाहिद हैं, अल्लाह के रास्ते से वापस हो रहे हैं, तो आप हजरात अब कैसे हैं? बेगुनाह। अभी दुनिया में आए हैं, सारे गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए, और आपका एक एक दिन अल्लाह के रास्ते का घर पर के हज़ार दिनों से बेहतर था। ख्याल करते थे ना आप लोग कि हमारा एक दिन अल्लाह के रास्ते में गुजर गया? घर पर हज़ार दिन आमाल में लगते तो वो अजर ना पाते जो अजर अल्लाह ने एक दिन में आपको दे दी। आप छोटी छोटी उम्र के हैं, लेकिन कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको अपने रास्ते में बुलाया और आमाल में लगा लिया। अब ज़रा हम कारगुजारी कर लेंगे, क्योंकि कारगुजारी सुन्नत है मस्जिद नबवी की, और इंशाल्लाह उससे हमको और आगे काम में मदद मिलेगी। ठीक है, कारगुजारी बराए इम्तिहान नहीं होती, बराए सुन्नत है। सुन्नत है, मस्जिद का अमल है, इसलिए उस अमल को करना पड़ेगा। भाई तर्जुमा कर रहे क्या आप लोग? ए खुदा के बंदो, दूसरी जबान में सुना रहे क्या हम? फिर आपको बात करेंगे तो कितनी बुरी बात है बताओ। मजलिस में बैठे हैं आप, अलग से बात कर रहे हैं, बोलने के बाद फिर कर रहे हैं। आपको एक जमात से एक साथी उठो भाई। शेख पेट की जमात कहाँ है?
है कोई एक साथ तुम दोनों में शेफ पर हाथ उठाओ। सबका चिल्ला हुआ पूरा आपका भी हो गया आपका खड़े हो जाओ। बस्ती में दाखिल होते ही क्या करते थे? गाड़ी से उतर गए, गांव आ गया, क्या करते थे सब वहाँ? मस्जिद में जाने से पहले करते थे दुआ या मस्जिद में जाकर करते थे? मस्जिद में जाकर दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? आप भी किए कभी दुआ? आपको मौका नहीं मिला दुआ करने? आप नहीं किए? क्या दुआ करते थे दुआ करने वाले? क्या बोलते थे उसे? गांव वालों को अल्लाह हिदायत दे दे, ये दुआ करते थे। कितनी बड़ी फिक्र है देखो, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं हम सब, ए अल्लाह बस्ती वालों को तो हिदायत दे। कभी ऐसा किए हैं जमात के अलावा? कभी आप किसी गांव को गए होंगे तो क्या वहां जाकर बस्ती वालों की हिदायत की दुआ आप में से किसी ने किया है जी? कोई किए? अल्लाह के रास्ते में निकले तो किए, अल्लाह के रास्ते के अलावा किसी काम से हम गए तो किए थे दुआ? देखो अल्लाह ने कैसा अच्छा मौका आपको दे दिया। बस्ती वालों की हिदायत की दुआ कौन करते थे मालूम है? अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे। और कौन करते थे मालूम है? अंबिया के इमाम हमारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी हिदायत की दुआ मांगते थे। आप भी सबकी हिदायत की दुआ मांग के आए। अल्लाह की तौफीक है नहीं है बेटा? बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। अलबत्ता आप सब हजरात दुआ मस्जिद जा करते थे बाहर करते थे? सारी जमातें बाहर करते थे ना? फिर आप लोग क्यों किए थे गाँव में? अच्छा मस्जिद के करीब करते थे आप भी वैसे? हाँ ठीक है ठीक है। असल में बस्ती में जाने से पहले दुआ करके दाखिल होना सुन्नत है, इसलिए उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम सब दुआ करते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। और एक साथी आपकी जमात के भाई आप जरा खड़े हो। और क्या करते थे जाकर मस्जिद? शाबाश। क्या करते थे भाई? मस्जिद में दाखिल होते ही दो रकत नमाज आपने पढ़ी है, सबने पढ़ी है। आप बताओ जमात के अलावा कभी कोई मस्जिद में जाकर दो रकत दाखिल मस्जिद पढ़ने की तौफीक मिलती है किसी को? कभी कभी किसी किसी को भाई, सबको मिलती, लेकिन उसके रास्ते में उसने बुलाया और मस्जिद में दाखिल होते ही दो रकत नमाज दाखिल मस्जिद जो सुन्नत है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की, उस पर अमल की तौफीक अल्लाह ने दे दी। कितना बड़ा काम हो गया बताओ। सब दो रकत पढ़ते थे फिर क्या करते थे? थोड़ी देर तालीम करते थे फिर क्या करते थे? मशवरा करते थे। अच्छा बैठो। अच्छा भाई आपकी कौन सी जमात है? हकीम पेट की जमात है। आप लोग क्या, आपका साथी कौन है? हाथ उठाओ हकीम पेट वाले। वाजी वाह वाजी वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। याद रहा उठो बेटे। आप क्या करते थे? पहले मशवरा करते थे बाद में तालीम करते थे, क्यों भाई? बाकी जमातें बैलगाड़ी वाले क्या करते थे? तालीम करते थे पहले मशवरा करते थे जी। आप लोग क्या करते थे? आप लोग क्या करते थे? सब कौन तालीम करते थे? कौन सी जमात तालीम करती थी? देखो भाई एक बात याद रखो, साथियों को जोड़ने के लिए तालीम नहीं करना, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। साथी नहीं जुड़ रहे इसलिए तालीम कर रहे हैं। तालीम हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातें हैं। जब हुजूर के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम आते तो बादा बैठ जाते, ऐसा बैठते थे जैसा अत्तहियात में बैठते ना हम, ऐसी अजमत थी हुजूर की हुजूर के बातों की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तालीम मजमा जोड़ने के लिए नहीं है, तालीम अल्लाह के वादों को सीखने के लिए। चलो ठीक है भाई, आइंदा क्या करना? जाते ही पहले मशवरा करना, साथियों का इंतज़ार है तो मुज़ाकरा करना, बातचीत करना, ठीक है? साथियों को जोड़ने के लिए तालीम नहीं, साथियों को जोड़ने के लिए तालीम नहीं, साथियों को जोड़ने के लिए मजलिस के आदाब बताओ, फिक्र पैदा करो जो भी आ गए। चलो ठीक है,
मशवरे में क्या क्या तय करते थे? पहले क्या करते थे? खिदमत। आपको ये मौका मिला खिदमत का, बनाए खाना, क्या बनाए साल में? गोश्त वगैरह बनाने का मौका मिला आपको, शाबाश। घर में पकाते थे कभी? घर में पकाते तो माँ बाप भाई बहन खाते, लेकिन हम भी पकाए, इसलिए कि हमारी माँ ऐसी हमसे मोहब्बत करती हैं कि हमको काम करने नहीं दिए हमारी माँ, और अल्लाह के रास्ते में जाकर सबकी खिदमत करके आ गए। सबकी खिदमत कौन करते थे? हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात में हैं, आपने मशवरा किया कि कौन क्या काम करेंगे खिदमत का, फिर आपने एक काम ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंगल से लकड़ियां लाने का काम बचा हुआ है वो मैं करूंगा, और वो मुबारक कांधे, वो मुबारक हाथ जो सारी दुनिया को रोशन करने आए हैं, आपके पैर तो पैर, आपके पैरों में जो चप्पल है उसकी भी कीमत अल्लाह ने बता दी कि मेराज में आप चप्पल उतारना चाह रहे थे, आवाज़ आई अल्लाह की तरफ से, मेरे हबीब वो चप्पल आपके पैर में है, इसको उतारने की ज़रूरत है। तो अंदाज़ा लगाइएगा आपके कांधे और आपके हाथ कैसे मुबारक होंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल से लकड़ियां चुनकर अपने कांधे पर लग कर आए हैं और खिदमत खाना बना है उन लकड़ियों से, आपने वो काम किया। और कौन कौन खाना पकाया खिदमत में? ज़रा हाथ उठाओ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अरे क्यों भाई, आप नहीं थे खिदमत में? जमात में नहीं आ रहे जी? जमात में रहता हूँ। अरे नहीं थे तो क्या खिदमत, तो कभी गए तो करे नहीं क्या जमात में? अपनी तो क्या हमेशा करते ना। वाह वाह, बैठो बैठो, कितने प्यारे हैं आप, बैठो बैठो, शाबाश शाबाश शाबाश, आप लोग कितने मुबारक हैं, ज़रा सोच। अरे फिर बात कर रहे हैं यार, आप इधर आ जाओ, फिर जाओ बाकी लोग सामने हटो, माइक नहीं है मेरे को, गला बड़ी आवाज से बात करना पड़ रहा है, वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए मेरे को जोर से बोलना पड़ रहा है, आंखें लगाना पड़ रहा है। आप लोग अगर बात करेंगे तो मैं बहुत मायूस हो जाऊँगा। आप बात करिए थोड़ा देर। तो आप हजरात से अल्लाह ने प्यारे अंबिया की सुन्नत को जिंदा करवाया। जो घर पर हैं, चाहे वो एसी में रहते होंगे, आराम से रहते होंगे, लेकिन उनको खिदमत का मौका नहीं मिला, और आपको अल्लाह ने अपने रास्ते में बुलाकर प्यारे अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सहाबा की सुन्नत को जिंदा कराया, आप सब खिदमत किए। अच्छा ये बताओ भाई, कभी किसी भाई ने खिदमत की और चावल नरम हो गए और दाल में पानी पड़ गया, पतली हो गई, तो क्या बताओ कोई साथी गड़बड़ किया? सब अल्लाहुम्मा लकल हम बोल के खाए, सही बोलो। प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह का शुक्र अदा करो, आप सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हम लोग घर में क्या करते, कभी मिर्च ज़्यादा हो गई, हमारी माँ बड़ी मेहनत से, हमारी बहनें बड़ी मेहनत से खाना बनाती हैं, कभी कुछ कमी बेशी हो जाती है तो हम लोग खाना नहीं खाते, रुस जाते हैं, बोले बाहर से मंगाओ, हम खाना नहीं खाते, ये मतलब का खाना नहीं है, हम ये तरकारी नहीं खाते, हम ये साग नहीं खाते, बोलते नहीं बोलते घर में। अल्लाह ने अपने रास्ते में बुलाकर कैसी बड़ी खिदमत आप हजरात से ले लिया, ज़रा सोचो। अल्लाह आप हजरात को बहुत कबूल फरमाए। भाई देखो, जैसे अल्लाह के रास्ते में खिदमत करके आए ना, घर पर जाकर भी काम काज में हाथ बटाओ। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा ऊंचा आलीशान मर्तबा है, लेकिन आप अपने घर में झाड़ू देते हैं। अज़वाज मुतहरात हमारी माएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, उनके काम में हाथ बटाते हैं। तो हम सब अपने घर में भी अपने माँ बाप के हाथ, उनके काम काज में हाथ बटाना बटाइए। शाबाश शाबाश शाबाश। और उसके बाद क्या करते थे? खिदमत एक तय किए थे, उसके बाद और क्या करते थे मशवरे में बताओ? अरे भाई ये इनसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ऐलान तय करते थे। कौन कौन ऐलान किया है इसमें हाथ उठाओ। वाह जी वाह, सब लोगों ने ऐलान किया, शाबाश शाबाश।
आप क्या ऐलान करते थे ज़रा करके बताओ। असर हाँ जोर में बताओ पहले। बाकी नमाज़ों के बाद तस्बीह पढ़ना इंशाल्लाह ये की बात। असर में क्या करते थे? असर में दुआ के बाद सभी हज़रात तस्बीह पढ़े इंशाल्लाह। दिल में क्या फिक्र होती थी ऐलान करते वक्त? सब सुनना सब बैठना बोलिए होती थी ना दिल में बात। अब ये बताओ सारी मस्जिद के मुसल्ली हैं उन सब को आप सब ने दावत दे दी भाइयों दीन की बात होगी तशरीफ रखिए सब ने बोले सब बोले नहीं बोले